ममता को हराने के लिए बीजेपी ने जितना जोर लगाया था उसके बावजूद ममता जिस तरीके से जीत के आई हैं, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़, एक नया टर्निंग प्वाइंट है। बीजेपी का क्या नहीं चला, जो उनका कोर हथियार है ध्रुवीकरण, बंगाल में मुस्लिम बहुल आबादी बहुत ज्यादा है, कई इलाकों में 25% के आसपास वहां मुसलमान वोटर हैं, इसी के बेसिस पे उनको लगता था कि ये तो ध्रुवीकरण की हमारी बड़ी प्रयोगशाला है। बीजेपी और संघ के लिए बंगाल बड़ा अहम था जीत पाना, क्योंकि वंदे मातरम, भारत माता और हिंदुत्व जैसे शब्द पहले यहां गढ़े गए थे, लेकिन हम भूल गए कि बंगाल के लोग अपनी सब नेशनलिस्टिक टेंडेंसी के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, हिस्ट्री के सेंस के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो ध्रुवीकरण नहीं चला और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी टीएमसी बीजेपी से काफी आगे है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा था कि जातियों को, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जातियां हैं, उनको भी अपनी तरफ कर लें, बीजेपी का ये गेम भी नहीं चला। विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रांडिंग को कोऑप्ट करने का एक्सरसाइज भी नहीं चला। ये दीदी तो बड़ी जालिम निकली, वो कैसे? दीदी के पक्ष में जो बातें गई हैं वो ये कि वो सिर्फ मुसलमान वोट से नहीं जीती हैं, उनको हिंदू वोट भी मिले हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, ज्यादा बड़ा निचोड़ यह है इस चुनाव का, कि हिंदू महिलाओं ने हिंदू पुरुषों से ज्यादा वोट दिए हैं ममता दीदी को। तो जो बांग्ला निजेर में चाहे, ये वाली लाइन वहां चली है, बहिरागतो नहीं चाहिए ये लाइन वहां चली है, ये टोलाबाज, कट मनी, ये डायलॉग काम नहीं आए। कोविड के दौर में बड़ी बड़ी रैलियों में जो समा बांधा गया था वो भी काम नहीं आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और है कि जो हम समझते थे कि ये रूरल बंगाल के बल पे जीतेंगी, तो रूरल बंगाल में बीजेपी ने ठीक ठाक टक्कर दी है, लेकिन अर्बन बंगाल जो हम समझते थे कि मिडिल क्लास, अर्बन ट्रेडर, बिहारी, मारवाड़ी, इन वोटों के कारण बीजेपी को बड़ा एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, वो नहीं मिला। अर्बन इलाकों में भी टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर से गौर करिएगा जब डिटेल में नंबर आएंगे कि हिंदू वोट कितने मिले। बीजेपी का जो गणित था उसको देखें तो मोटी बात यह समझिए कि बीजेपी अपने लोकसभा के परफॉर्मेंस के सामने नीचे गिरी है करीबन 3%, ममता बनर्जी बढ़ी है करीबन 5% से ज्यादा, यानी दोनों के बीच में गैप हो गया करीबन 10 से 11% का। तो यह कोई फोटो फिनिश चुनाव नहीं था।